आज इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रेडिक्शंस करने वाले हैं फिर एक बार ड्राफ्ट की सेकंड नाइट यानी कि जो कल की मंडे नाइट रॉ होने वाली है उसके अंदर जो ड्राफ्ट होगा जो कि फाइनल ड्राफ्ट होगा उसकी प्रेडिक्शंस करने वाले हैं। तो वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल पर है तो आपको सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को हम लोग जो है देर नहीं करते और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की ओर से पिक होने वाली है वो होने वाली है इस बार गाइस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द मैन पैकी लिंच होगी सबसे पहले ड्राफ्ट, पहली पिक होगी वो सेकंड नाइट की और वो जाएगी मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और भैया पैकी लिंच क्यों जाएगी मंडे नाइट रॉ में इसका मैं आपको जो है रीजन देने की जरूरत नहीं क्योंकि सबको पता है शार्लेट फ्लेयर रॉ वुमेन्स चैंपियन वो आ चुकी है स्मैकडाउन ब्रांड में। तो रॉ के ब्रांड के ऊपर आने वाली है स्मैकडाउन की वुमेन्स चैंपियन बैकी लिंच। और भैया जो सेकंड ड्राफ्ट होगा वो होगा इस बार गाइस मंडे नाइट रॉ से जाएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर, वो होगी एक शॉकिंग पिक और वो होने वाली है इस बार गाइस अपने द ऑलमाइटी बॉबी लैशली। और बॉबी लैशली जाएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में सीधे मंडे नाइट रॉ से। और भैया यहाँ पर से योगा सेकंड ड्राफ्ट और बॉबी लैशली को भी मेरे ख्याल से फ्रेश अपोनेंट मिलने वाला है। बॉबी लैशली ने भी ड्राफ्ट से पहले बार टीज की है और मेरे ख्याल से अब वो जा सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। अगली जो पिक होने वाली है मंडे नाइट रॉ की ओर से सेकंड पिक वो होगी इस बार गाइस अपने कैरियन क्रॉस। और भैया कैरियन क्रॉस मेरे ख्याल से अपना ब्रांड यानी कि मंडे नाइट रॉ को वो स्टिल रिटेन करेंगे और मेरे ख्याल से WWE जो है कैरियन क्रॉस को भी अभी आया है वो मंडे नाइट रॉ में, तो मेरे ख्याल से उनको कुछ ड्राफ्ट नहीं करवा सकते और ये करवा नहीं करेगी और मेरे ख्याल से वो अपने ब्रांड यानी कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर स्टे करेंगे। अगला ड्राफ्ट का स्मैकडाउन की ओर से वो होगा इस बार गाइस एक ड्राफ्ट जो कि होगा ईवा मरी का और मेरे ख्याल से ईवा मरी जा सकती है स्मैकडाउन में। ज़्यादा कुछ उनके अच्छा था WWE अच्छी चीज कर नहीं रही तो मेरे ख्याल से वो जा सकती है स्मैकडाउन के अंदर। अगली जो पिक होगी मंडे नाइट रॉ की ओर से वो होगी इस बार गाइस अपने करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन यानी कि डेमियन प्रीस्ट और मेरे ख्याल से जो डेमियन प्रीस्ट है वो अपने ही ब्रांड यानी कि मंडे नाइट रॉ को में रिटेन करते हुए दिखा देने वाला है। स्टिल वो है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, उनका भी ड्राफ्ट हुआ नहीं और मेरे ख्याल से उनका भी मेरे ख्याल से ड्राफ्ट होगा नहीं और मेरे ख्याल से वो अपने ही ब्रांड यानी कि मंडे नाइट रॉ को करेंगे रिटेन। और ड्राफ्ट के अंदर जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन डेमियन प्रीस्ट रहने वाले मंडे नाइट रॉ में, तो सेम थिंग होगी स्मैकडाउन के साथ। और भैया अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन किंग नागापुरा भी रहेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और ये होगी अगली पिक। और जो मेरे कार्ड टाइटल्स हैं जो कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया थे कि जो कि नहीं हो जाएंगे इधर उधर ड्राफ्ट, लेकिन WWE करवा भी सकती चीज़ है लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ें हो नहीं सकती। और मेरे ख्याल से पहले ही WWE ने बड़ी थिंग कर दी है रॉ वुमेन्स स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के साथ, तो मेरे ख्याल से जो मेरे कार्ड चैंपियंस हैं वो मेरे ख्याल से खैर अपने ही ब्रांड यानी कि स्मैकडाउन और रॉ में शिफ्ट होंगे और किंग नागमूरा रहेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में और टीम एन पीस रहेंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर। अगला जो ड्राफ्ट होगा वो होने वाला इस बार गाइस मंडे नाइट रॉ की ओर से टीम का ड्राफ्ट जहाँ पर होने वाले गाइस अपने एरिक एंड आइवर यानी कि अपने गाइस वाइकिंग रेडर्स वो रहेंगे स्टिल फ्राइडे स्टिल पार्ट मंडे नाइट रॉ को। और मेरे ख्याल से जो ड्राफ्ट के अंदर जो टीम है वाइकिंग रेडर्स की वो मेरे ख्याल से स्टिल रह सकती है मंडे नाइट रॉ के अंदर। अगली पिक होगी स्मैकडाउन की ओर से वो होने वाली इस बार गाइस एक बड़ी पिक और ये होने वाली है अपने करंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस यानी कि अपने जिमी और जेदी उसोस और मेरे ख्याल से उसोस भी अपने ही ब्रांड यानी कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को रिटेन करेंगे। रोमन रेस ड्राफ्ट हो चुकी है फर्स्ट पिक फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, पॉल हेमन को काम पे भेज दिया है रोमन रेस ने और मेरे ख्याल से हो सकता है ज़्यादा उलटफेर होगा नहीं क्योंकि पहले से आरके ब्रो ड्राफ्ट हो चुकी है मंडे नाइट रॉ में, तो सिंपल सी बात है WWE कुछ एंगल प्लान करेगी लेकिन एंड जो होगा वो होगा वो सोच जाएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ही और ब्लड लाइन स्टिल रहेगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का ही पार्ट और अपने स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस दी उसोज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को हमें रिटेन करते हुए दिखा देने वाले। अगला जो ड्राफ्ट होने वाले हैं वो होने वाले इस बार का एक ड्राफ्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से अपने केविन ओवंस और मेरे ख्याल से केविन ओवंस आ सकते हैं इस बार मंडे नाइट रॉ के अंदर और मेरे ख्याल से केविन ओवंस को भी WWE से बुकिंग कर नहीं रही है। हैप्पी कॉर्बिन के साथ उनकी राइवलरी है लेकिन स्टिल इतनी भी कुछ अच्छी राइवलरी चल नहीं रही और मेरे ख्याल से वो राइवलरी खत्म होने के बाद वो ड्राफ्ट में आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ में। अगले पिक होगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की ओर से वो होगी इस बार के अपने वन एंड ओनली रिकोशे की और मेरे ख्याल से जो रिकोशे है वो मेरे ख्याल से जा सकते हैं स्मैकडाउन में और भी अमिड कार्ड डिवीजन के लिए वो काफ़ी अच्छे स्टार है और मेरे वैसे वो जा सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्योंकि अब वो बहुत देर रह चुके हैं मंडे नाइट रॉ में और स्टिल स्मैकडाउन में अभी वो ड्राफ्ट हुए नहीं है, तो मेरे वैसे वो जाएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर।
अगली पिक होगी मंडे नाइट रॉ की ओर से, वो होने वाली इस बार गाइस स्मैकडाउन की ओर से एक बड़ी पिक, और ये होने वाली मिड कार्ड डिवीजन के लिए काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, और ये होने वाले हैं अपने सेजारो, और सेजारो आएंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से सीधा मंडे नाइट रॉ में, और मेरे ख्याल से ये सेजारो के लिए काफी बड़ा स्टेप होने वाला है। सेजारो को काफी अच्छा मोमेंटम मिल रहा था रेसलमेनिया के अराउंड, रेसलमेनिया के बाद भी रोमन इसके साथ उनको टाइटल पिक्चर में डाला गया, और मेरे ख्याल से अब जो उनका डब्ल्यू थोड़ा बहुत फीका कर रही है तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है इस बार ड्राफ्ट के अंदर, और ये हो सकती है उनकी मंडे नाइट रॉ के अंदर जाने की चीज। अगली पिक होगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की ओर से, वो होने वाली इस बार गाइस द बॉस साशा बैंक्स, और साशा बैंक्स अपने ब्रांड यानी कि स्मैकडाउन को मैं रिटेन करते हुए दिखा देने वाली है। बैकी लिंच के साथ और बियांका बेलेयर के साथ उनका मैच ऑफिशियल हो चुका है, तो मेरे ख्याल से वो स्टिल रहेंगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के ही अंदर। अगले पिक होगी मंडे नाइट रॉ की ओर से, जहाँ पर मंडे नाइट रॉ यहाँ पर पिक करने वाली है, वो करने वाली है एक टैग टीम को, और भैया स्मैकडाउन के अपने स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से सीधा मंडे नाइट रॉ के अंदर, और भैया स्मैकडाउन की एक अच्छी टैग टीम जो कि मेरे ख्याल से मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें आती हुई दिखाई दे सकती है। अगली पिक होगी स्मैकडाउन की ओर से, वो होने वाली इस बार के अपने केल्टिक वॉरियर शेमस, और मेरे ख्याल से शेमस भी जाएंगे मंडे नाइट रॉ से फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, क्योंकि शेमस के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू अच्छी चीज़ प्लान कर सकती है उनके लिए कुछ नया करने के लिए, मेरे ख्याल से उनको स्मैकडाउन में इस बार ड्राफ्ट के अंदर डाला जा सकता है। अगली पिक होने वाली है, वो होने वाली इस बार गाइस मंडे नाइट रॉ की ओर से बहुत ही बड़ी पिक, जो कि वो पिक करने वाले इस बार फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के सुपरस्टार यानी कि अपने फिन बैलर, और मेरे ख्याल से फिन बैलर आने वाले ड्राफ्ट में मंडे नाइट रॉ में, और फिन बैलर आएंगे मंडे नाइट रॉ में, क्योंकि भैया फिन बैलर कब स्मैकडाउन में आते हैं, वो आए थे 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर नहीं वैसे जो है वो आए थे 16 जुलाई के स्मैकडाउन में, और भैया उसके बाद मेरे ख्याल से उनको अच्छी रायवलरी डब्ल्यूडब्ल्यू ने दी, लेकिन मेरे ख्याल से अब उनके लिए कुछ नई चीज़ें डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान कर सकती है मंडे नाइट रॉ के अंदर, और मेरे ख्याल से वो जाएंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर। अगली पिक होगी ड्राफ्ट की, वो होगी स्मैकडाउन की ओर से अपने मॉडर्न डे महाराजा यानी कि जिंदर महल, और जिंदर महल भी हमें इस बार ड्राफ्ट में जाते हुए दिखा देने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। अगली पिक होगी वो होने वाली है इस बार गाइस मंडे नाइट रॉ और से वो होने वाली अपने जॉइंट ओमस, और भैया ओमस मेरे ख्याल से रहेंगे स्टिल मंडे नाइट रॉ के अंदर, और मेरे ख्याल से जो ओमस है वो मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट होने वाला है, स्टिल अकेले होंगे ओमस, और जो उनके पार्टनर है यानी कि अपने द फिनोमिनल वन एजे स्टार्स वो ड्राफ्ट होने वाले हैं अगले, और वो जाएंगे सीधे मंडे नाइट रॉ से स्मैकडाउन में, और मेरे ख्याल से स्मैकडाउन में जो उनकी लिए अच्छी चीजें हो सकती है, अच्छे प्लान्स हो सकते हैं, नए मेंबर्स उनको मिलेंगे, नए अपोनेंट्स होंगे, फ्रेश चीज़ें होंगे, और मेरे ख्याल से जो ब्रेक मेरी होने वाली है पिक होने वाली है अपनी वो होगी स्मैकडाउन की ओर से, और मेरे ख्याल से एज स्टाइस 100% जानी चाहिए स्मैकडाउन के अंदर। अगली पिक होने वाली है वो होने वाली है मंडे नाइट रॉ की ओर से, और इस बार वो होगी सीधे एनएक्सटी से, और मेरे ख्याल से एनएक्सटी से जो सुपरस्टार आने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर वो आने वाले हैं अपने एलए नाइट, और एलए नाइट आएंगे स्मैकडाउन से सीधा एनएक्सटी से सीधा मंडे नाइट रॉ में। हिट रॉ को हमने देखा कि भैया वो आने वो आ गए हैं स्मैकडाउन में, तो मेरे ख्याल से मंडे नाइट रॉ एक और एनएक्सटी सुपरस्टार को पिक करेगी, और ये होगी अपने एलए नाइट, और एलए नाइट आएंगे सीधा मंडे नाइट रॉ में, और भैया डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी से भी ड्राफ्ट करवाने वाली है, और जो एलए नाइट है उनका नाम बहुत ज़्यादा रूमर है, तो मेरे ख्याल से वो आएंगे मंडे नाइट रॉ में। अगली पिक होगी ड्राफ्ट की, वो होगी स्मैकडाउन की ओर से, वो होगी इस बार गाइस अपने हर्ट बिजनेस, और हर्ट बिजनेस यानी कि सेड्रिक अलेक्जेंडर और शेल्टन बेंजामिन भी भैया बोविलेक और एमवीपी के साथ ही स्मैकडाउन को करेंगे ज्वाइन, और वो भी जाएंगे मंडे नाइट रॉ से सीधा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर। अगली पिक होगी वो होगी मंडे नाइट रॉ की ओर से, वो होगी सेकंड लास्ट पिक और फाइनल पिक मंडे नाइट रॉ की, जो कि हो सकती है अपने सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन मेरे ख्याल से आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर, लेकिन जो फाइनल पिक होगी फाइनल ड्राफ्ट की लास्ट पिक होगी मंडे नाइट रॉ के पास स्मैकडाउन की, वो होने वाली है अपने स्मैकडाउन सेवियर जो कि है अपने सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस सीधा अपने ही ब्रांड को रिटेन करेंगे, और वो रहेंगे स्टिल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का ही पार्ट। क्यों रहेंगे वो पार्ट? क्योंकि भैया उनको है रोमर के साथ कुछ अपना अनफिनिश्ड बिजनेस,
और मेरे ख्याल से ये हो सकता है स्मैकडाउन के अंदर ही, और मेरे ख्याल से रोमन रेंस फर्स्ट सेथ रॉस ट्रैवल करवानी है तो सेथ रॉस को स्टिल पार्ट होना चाहिए स्मैकडाउन का, और मेरे ख्याल से स्मैकडाउन बहुत बेहतरीन तरीके से जाने वाला है और सेथ रॉस स्टिल रहेंगे स्मैकडाउन में तो बहुत बहुत अच्छा मजा आएगा, और सेथ रॉस मेरे ख्याल से ड्राफ्ट के अंदर हो सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का पार्ट। तो बस कैसे ही थी आज की हमारी वीडियो, और मैं यही थी प्रेडिक्शन WWE ड्राफ्ट की सेकेंड नाइट के ऊपर वाले, इसके ऊपर आपके रिएक्शन से आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। लेकिन आज की हमारी ये वाली वीडियो बस ये तक थी, अगर आपको हमारी आज की वाली वीडियो अगर पसंद आई होगी तो आप वीडियो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं आप लोग, चैनल के लिए सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल कौन था कि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो बस इतनी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।